चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कंसिडर अ मेटल रिंग केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. अ बार मैग्नेट इज हेल्ड अबव द रिंग विथ इट्स लेंथ अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रिंग. इफ द मैग्नेट इज नाउ ड्रॉप्ड फ्रीली द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज कितना होगा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दी हुई है. अगर देखो बार मैग्नेट नॉर्मली गिर रहा है जैसे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा जी के इक्वल होगा. लेकिन अगर एक क्वाइल के ऊपर एक मैग्नेट उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसका मोशन जब इधर होगा तो तुरंत इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा और इधर साउथ पोल बन जाएगा. अगर इधर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बन गया तो ये रिपल करेगा ना, रिपल्शन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स और mg तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा है. इधर भी ग्रेविटेशन फोर्स mg लग रहा है और जैसे हम लोग बार मैग्नेट को नजदीक लाते हैं सर्कुलर क्वाइल के करीब लाते हैं ना तो इधर नॉर्थ पोल बन जाता है इधर साउथ पोल बन जाता है. उसी तरह जब ये बार मैग्नेट नीचे गिरेगा तो वो सर्कुलर क्वाइल के नजदीक आ रहा है फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो उसको अपोज करने के लिए इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा नीचे साउथ पोल बन जाएगा. तो नॉर्थ नॉर्थ हमेशा रिपल करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इसके और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक कर देगा. नेट फोर्स अभी भी नीचे ही होगा इसमें एफ नेट का डायरेक्शन नीचे ही होगा लेकिन ये नेट फोर्स अब कम हो गया ग्रेविटेशन फोर्स से जबकि यहां नेट फोर्स जो था वो ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल था इसलिए एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जी था. अब क्योंकि नेट फोर्स जीरो कम हो गया है ग्रेविटेशन फोर्स से तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो छोटा हो जाएगा जी से. तो आंसर कौन सा होगा लेस देन जी वाला ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.